वहीं फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक से बचाव पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अस्पताल के न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक मेडिसिन विभाग ने विश्व स्ट्रोक दिवस पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे की थीम है इसके लक्षणों के बारे में जानकारी फैलाना, ताकि लोगों को इसके लक्षणों की जानकारी हो और वो पहले ही सचेत हो जाए और उनकी जान बच सके। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो स्ट्रोक दुनिया में संयुक्त रूप से मृत्यु और विकलांगता का तीसरा प्रमुख कारण है। स्ट्रोक आने की संभावना बुजुर्ग या उम्रदराज लोगों में ज्यादा होती है। हालांकि हाल के भारतीय आंकड़ों से पता चला है कि युवा वयस्कों को भी स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति अक्सर शारीरिक अक्षमता, अवसाद, मेमोरी लॉस समेत दूसरी समस्याओं से घिर जाते हैं। स्ट्रोक के चलते हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आपको बता दें कि स्ट्रोक के चलते ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाइपरलिपिडीमिया जैसी बीमारियों के साथ साथ हृदय रोग, मस्तिष्क संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। यह अस्पताल अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, और इस अस्पताल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम वह चिकित्सा प्रणाली लेकर आएं जो पूरी दुनिया में उपलब्ध है। और स्ट्रोक यानी लकवा एक ऐसी बीमारी है जिससे मरीज पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। हर साल 29 अक्टूबर को हम स्ट्रोक या लकवा दिवस मनाते हैं, और आज यह संगोष्ठी उसी उपलक्ष्य में की गई है।